वेलकम टू माय चैनल एक्वाटिक समाचार एंड मोर। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए जो लाइट्स आते हैं वो काफी महंगे होते हैं, मतलब 1000 से 2000 के बीच में आपको नॉर्मल सा भी जो लाइट होता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए वो आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लाइट के लिए इतना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस हालत में हम लोग क्या करेंगे? तो इस हालत में हम लोग एक DIY लाइट बना सकते हैं अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, जो आपके 1000 या 2000 वाली लाइट से काफी अच्छा काम करेगा। आपके प्लांट्स के ग्रोथ काफी अच्छे होंगे, इवन जो कलरफुल प्लांट्स हैं उनके कलर भी जो है काफी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक प्लांटेड एक्वेरियम के लिए DIY लाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम खर्चा में। YouTube में आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आप एक DIY लाइट कैसे बना सकते हैं तार होल्डर बल्ब के मदद से। मैं भी आपको लास्ट में वही दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं, प्लांटेड एक्वेरियम में जो लाइट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं अलग अलग सा, जैसे कि कितने वाट का होना चाहिए, कितना केल्विन का होना चाहिए, कितना लुमेन होना चाहिए उसमें। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो टैंक है उस टैंक के हिसाब से कितने लुमेन का, कितने वाट का, कितना केल्विन का हम लोगों को जो है एक लाइट चाहिए, पहले हम लोग ये इस चीज को जान लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट कोई भी लाइट अगर अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए ऊपर लगा दिए तो वो जो है हर एक प्लांट उसमें ग्रो होगा नहीं। जो स्लो ग्रोवर है जिनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, हो सकता है ऐसा वाला प्लांट्स ग्रो हो जाए, बट फिर जो जैसे HR हो गया या फिर आपका जो रोटाला हो गया, इस टाइप के कुछ प्लांट्स होंगे जो ग्रो उसमें होंगे नहीं सही से। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उन लाइट का स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जो आप LED बल्ब ले रहे हैं, हम लोग मोस्टली बल्ब ही यूज करेंगे, आप ट्यूबलाइट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्यूबलाइट का लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपका छोटा टैंक है तो जैसे 1.5 फीट का टैंक है, 2 फीट का टैंक है, तो उसके हिसाब से फिर वो लाइट जो है बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लोग LED बल्ब का ही यूज करेंगे। अगर आपका टैंक लंबा है, 3 फीट का है, 3.5-4 फीट का लंबा है टैंक, तो आप उस हिसाब से जो है अगर दुकान में आपको 2 फीट का अगर ट्यूबलाइट मिल जाए आप ले सकते हैं सेम स्पेसिफिकेशन में। तो पहले बात करते हैं क्या क्या स्पेक्स होना चाहिए इसमें। सबसे पहले जो है हम लोगों को देखना होगा कितना वाट का होना चाहिए। 0.25 से 0.5 वाट पर लीटर के हिसाब से आपका लाइट का वाट होना चाहिए। तो लुमेन जो है 10 से लेके 20 लुमेन पर लीटर पे होना चाहिए। लास्ट जो देखना है वो आपको है देखना है केल्विन, तो 6000 से लेके 7000 केल्विन के बीच में जो है लाइट होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि वाट तो सुने होंगे आप लोग, जैसे 9 वाट का आता है, 10 वाट का लाइट आता है, लेकिन लुमेन और केल्विन क्या होता है? लुमेन क्या होता है, आपका जो लाइट का जो ब्राइटनेस होता है वो कितना ब्राइट होगा वो आपके लुमेन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लुमेन ज्यादा होगा उतना ही आपका लाइट, सेम जैसे आपका वाट है, वाट जितना ज्यादा होता है लाइट का ब्राइटनेस उतना ही ज्यादा होता है। और नेक्स्ट है केल्विन, केल्विन से जो है जितना केल्विन ज्यादा होगा, जैसे 6000 से 7000 का अगर केल्विन होता है लाइट का, मतलब लाइट जो है उतना ही सफेद रंग, मतलब उतना ही व्हाइट कलर देगा आपको। मान लीजिए वाट सेम है लेकिन केल्विन जो है उसका नीचे जा रहा है, मान लीजिए 4000-3000 केल्विन का है, तो उसका जो लाइट जो है वो जो व्हाइटनेस जो है वो कम हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपली मान लीजिए कि जैसे मेरा ये टैंक है, ये मान लीजिए 25 लीटर का टैंक है, इसमें 25 लीटर पानी आता है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 25 से 0.5 ही मान लेते हैं, तो 25 × 25 × 0.5 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो मेरा रिजल्ट आएगा इसे अप्रोक्स 12.5 वाट का आ रहा है, मतलब 12.5 वाट का आ रहा है। तो 12.5 वाट के आसपास 13 वाट, तो उस हिसाब से लाइट हम लोग इसमें लगा लेंगे। अगर आपका टैंक बड़ा है, अगर आपका जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में आप 2 फीट या 1.5 फीट के टैंक से स्टार्ट करें, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप 9 वाट का 2 LED बल्ब ले। अच्छा, बल्ब कौन सा लेना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक है सिस्का और दूसरा है हैबल्स। अगर आप ऑनलाइन इनको परचेस भी करते हो तो आपको 60 से 70 रुपए के बीच में एक बल्ब पड़ता है। आप 2 LED बल्ब खरीद लीजिए जो आपके 1.5 फीट या फिर 2 फीट, 1 फीट बाय 1.5 फीट या फिर 2 फीट बाय 1 फीट का जो टैंक होगा उसके लिए जो है सुइटेबल होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक आपको DIY एक लाइट एक्वेरियम लाइट प्लांटेड एक्वेरियम लाइट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको जो सामान चाहिए वो आप अपने पास रख ले, जैसे क्या क्या चाहिए आपको, तो आपको चाहिए एक इलेक्ट्रिक वायर, इस तरह का आप वायर ले ले, आप इलेक्ट्रिक दुकान से आप ले सकते हैं, मेरे घर में ही था ये तो मैंने इसी को ले लिया। नेक्स्ट जो चाहिए वो है एक बल्ब, आप इस तरह का एक बल्ब ले ले, LED बल्ब। उसके बाद इस तरह का एक प्लग, नहीं तो आप अगर नॉर्मल नंगा तार को अगर नंगा छोड़ देते हो तो उसको आपको प्लग इन करने में बहुत तकलीफ होगा, हो सकता है कि आपको करंट भी लग सकता है, तो एक प्लग ऐसा ले लो। और एक होल्डर, जो बल्ब को आप होल्ड करोगे उसके लिए एक ऐसा एक होल्डर, और कुछ नहीं चाहिए आपको, हो गया। ये कुछ सामान है, ये 4 सामान है, ये 4 सामान आपने ले लिया, आपका
DIY जो आप लाइट बनाने वाले हो कंप्लीट। हाँ, अगर आप थोड़ा सा आपका टैंक का साइज बढ़ाएं, 1.5 फीट बाई या फिर 2 फीट का टैंक है, तो आप 2 लाइट ले लो 9 वाट का। अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको ये लाइट दिखाया, आपको लाइट ऐसे ये वाला जो कवर है इसको निकाल देना है, लाइट का ये वाला कवर आपको निकाल देना है। कवर निकालने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपके पास, इस टाइप का आपको मिलेगा ये देखने के लिए। अब आपको इसको पूरा सेट कर लेना है, मतलब आप इसमें तार डाल के इसको सेट कर लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड में ये मतलब प्रोसेस जो है कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आप लोगों ने देख लिया कि एक लाइट कैसे सेटअप करना है, एक DIY एक्वेरियम प्लांटेड एक्वेरियम लाइट आपको कैसे बनाना है आप देख लिए। अब आप लाइट बना लिए हैं, तो लाइट बनाने के बाद आपके पास एक दिक्कत आ रही है, वो है स्टैंड का। आप लाइट को हैंग कहाँ करोगे, लटकाओगे कहाँ लाइट को, तो उसके लिए आप स्टैंड बना सकते हो। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं, घर में भी बना सकते हो। उसके लिए आपको जो है क्या करना है, इस तरह का PVC का पाइप लेना है, इस तरह का PVC का पाइप। ये आप 3/4 का जो है वाटर सप्लाई के लिए, जो हम लोग घर में वाटर सप्लाई के लिए जो पानी का पाइप यूज करते हैं, वही पानी का पाइप है ये। और उसके साथ इस तरह का 2L लेना है आपको, L जॉइंटर लेना है, और उसके साथ जो है इस तरह के 2T लेना है। अब आपको इससे ज्यादा कोई सामान चाहिए नहीं। ये पाइप जो है ऐसे लंबा पाइप आता है, बहुत लंबा पाइप आता है, 4 फीट 5 फीट 10 फीट का पाइप आता है। तो आप अपना टैंक का जो आपका टैंक का हाइट है या फिर जो लंबाई है, उस हिसाब से आप खरीद ले। मैं आपको छोटा सा डेमो करके दिखा रहा हूँ, छोटा सा टैंक में मेरा, उसके लिए मुझे जो है ज्यादा चाहिए नहीं पाइप। मैं थोड़ा सा ही मेरे घर में ही था, तो मैं उसी को यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस पाइप को जो है आपके टैंक के हाइट के हिसाब से काट लेना है। मान लीजिए सपोज आपका टैंक का हाइट जो है 12 इंचेस है, तो आपको 12 + 8 मतलब 20 इंचेस तक इसको करके हाइट करके उसको काट लेना है। मान लीजिए आपका टैंक का जो लंबाई है, लेंथ है, वो 24 इंचेस है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रख के मतलब 24 से आप उसको 25 या 26 इंच तक उसको करके जो है इसको काट लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा 2 इंच 1.5 इंच ज़्यादा ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब बाद में अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो उसको काट के जो है एडजस्ट कर सकते हैं, पहली बार में ज़्यादा छोटा ना काटे। अब क्या करना है, जैसे आपके पास 2 स्टैंड हो गया, तो स्टैंड के नीचे आप सिंपली जो ये टी जो है इसको इस तरह से लगा दीजिए। ये जो आपके पास टी है, टी को स्टैंड के नीचे इस तरह से लगा दीजिए। ये लग गया, देखिए। नेक्स्ट जो है आपको ये एल लेना है, ये एल को जो है आपके एक तरफ टी लगाए, दूसरी तरफ एल को लगा दीजिए इस तरह से, इस तरह से लगा लिए। एक तरफ टी लगेगा, एक तरफ आपका एल लगेगा। अब क्या करना है आपको, आपके पास ये लेंथ का जो है लंबाई, जो लंबाई बराबर जब काटे थे 2 फीट का हो या मतलब 24 इंच हो या 26 इंच का हो, जितना भी हो आप काटे थे, उसको आप क्या कीजिए, टी वाला सिरा छोड़ दीजिए, एल वाला जो सिरा है उसमें से पुट कर दीजिए इसको। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसके अंदर से हम लोग तार को, इसके अंदर से तार को फंसाएंगे, तो वो जो लाइट हम लोग बनाए थे उसका प्लग लगाने से पहले हम लोग को तार को इसके अंदर से निकाल लेना है, वो मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। अब क्या करना है, आपको 2 छेद कर लेना है, कहाँ पे, एक इस जगह पे जहाँ से तार निकलेगा, और एक इसके बीच में जहाँ से तार निकल के, जहाँ से तार ऐसे निकल के जो है इसमें आपका बल्ब जो है लटकेगा एकदम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे छेद है, बीच में ही आपको यहाँ पे एक छेद कर लेना है। अब फिर दूसरे सिरा पे जो है इस तरह से हल्को जो है पुट कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया स्टैंड, और इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको इसमें आप लाइट को सेट करके दिखाता हूँ, ये मेरे एक्वेरियम में कैसे काम कर रहा है।
वीडियो देखा, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा इससे। इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गया होगा कि आपके प्लांटेड एक्वेरियम के लिए आपको कौन सा लाइट चाहिए, आपको कैसे लाइट को लगाना है। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका सवाल का जो है जवाब देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।